हेलो एंड वेलकम बैक यस्टडी विद कलीम। स्वागत करता हूँ आप लोगों का यस्टडी विद कलीम में। मैं यस्टडी विद कलीम से एमडी कलीम। दोस्तों, यह प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट है और आप लोगों को पता ही है कि आने वाले एग्ज़ाम जो कि लोअर पीसीएस चकबंदी का है और मंडी प्रसाद और भी सारे एग्ज़ाम है, लेकिन ये ख़ास तौर पे जो लोअर पीसीएस एग्ज़ाम और नेट चकबंदी का है एग्ज़ाम, उसी के लिए जो वीडियो बनाऊंगा, प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा इतिहास का, उसी के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो भी क्वेश्चन होगा वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। जितने भी सिंधु घाटी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, वो उसके बारे में आज होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक स्टडी विद कलीम को ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे ऐसे ही वीडियो मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। यहाँ पे चार ऑप्शन है और कोट दिए हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी नगरीय नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोट को मिलाना है एक और दो, एक दो और तीन, दो तीन और चार, और दिया है उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह अपने नगरीय नियोजन के लिए भी जाना जाता था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जाना जाता है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी और अपने उद्योग के लिए भी जाना जाता था। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे एक से दो बार देख लेंगे और जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे और सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मिलाना है आपको, इधर है मांडा, राजस्थान, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, और इधर आपको मिलाना है। तो चलिए मिला लीजिए। तो जो मांडा है, देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो मांडा है वो कौन उसका क्या वो कहाँ पे था, तो वो जम्मू कश्मीर में था। और उसके बाद हो जाएगा दैमाबाद, तो दैमाबाद कहाँ था, तो वो महाराष्ट्र में है, आपको पता ही है। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में है। तो आपको ऐसे ही मिला लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें सही है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल हमारा भारत में स्थित है, और ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये भारत में नहीं है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह थी सौराष्ट्र में, जो गुजरात का ये वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ पे सौराष्ट्र है, यहीं पे सभ्यता थी स्थापित। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी ऑप्शन चार है, सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह गंगा नदी के तट पर बसी थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो जो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे वो किस में विश्वास करते थे? तो वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे।
ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बार बार आता है। सिंधु घाटी के पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो चार ऑप्शन है, देख लीजिए, पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा, विष्णु। तो जो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे वो पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? आलमगीर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देख लीजिए, तो हड़प्पा दयाराम साहनी, ये तो सही है, लोथल एस आर राव, ये भी सही है, सुरकोटड़ा जे पी जोशी जो द्वारा हुआ था, लेकिन धौलावीरा वी के थापड़ नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका, तो कौन थे? चार ऑप्शन है, ए कनिंगम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्स। तो एम कनिंगम थे, जो कि उत्खनन हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद महत्व को नहीं समझ पाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? चार ऑप्शन है, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो जो कुओं के अवशेष मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत प्रमाण कहाँ से मिले? यहाँ पे चार ऑप्शन है, कालीबंगा, धौलावीरा, कोटडीजी, आमरी। तो कहाँ से मिले हैं? तो वह मिले हैं धौलावीरा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन है, आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा से, लोथल से। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से ही मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ का सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो वह भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों ही सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास में से वस्त्र बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये तो पहले ही गलती है क्योंकि विशाल मंदिर महल नहीं होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट में सही चुनना है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर केवल दो सही हो जाएगा, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध किया विषव मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा, चनहोदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो यह मोहनजोदड़ो से विषव मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलती है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो 20 का हमारा ये इसका हो जाएगा, पशु अंकन हड़प्पा संस्कृति मुहरों पर नहीं मिलता है, तो घोड़ा पे नहीं मिलता है,
क्योंकि घोड़ा उस टाइम नहीं था। होगा लेकिन अंकर नहीं मिलता है। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह योग देवता की कृति प्राप्त हुई है, बनवाली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से। तो मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह योग देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह हुई है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋग्वेद किस में है, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, तो यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये ऋग्वेद यह ऐतरेय से संबंधित है। उसके बाद सामवेद, तो ये पंचवीस है। उसके बाद अथर्वेद, तो गोपथ है। और यजुर्वेद तो यह ऐतरेय से है। ओ सॉरी, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो किससे है? तो अभी मैंने बताया गोपथ ब्राह्मण अथर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। तो यह हो जाएगा इसका सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः समर्पित है। उपनिषद का मुख्य विषय है, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। तो जो उपनिषद का मुख्य विषय है वह है दर्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह होता है कंठोपनिषद में होता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है कंठोपनिषद में ही मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के शासक थे? तो वह के शासक थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा सही है। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। पहले वैदिक साहित्य है, उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो देख लीजिए इसमें कुंभा, परोसड़ी, सदानीरा, ये सूत्रधारी, ये नाम है, वैदिक नदियां है, और ये आधुनिक नाम बताना है। तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? कि ये हमारा कुंभा को हम लोग बोलते हैं, कुंभा को काबुल बोलते हैं, तो कुंभा को काबुल बोलते हैं। और परोसड़ी को रावी बोलेंगे, कुंभा को काबुल, परोसड़ी को रावी, और सदानीरा को गंडक बोलेंगे, और शतुद्री को सतलज बोलेंगे। तो ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टयवेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो 11 का हमारा देख लेते हैं। तो ये सी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वान, शूद्र, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। धर्म तथा रीति भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीति मूलभूत नैतिक विज्ञान था जो सृष्टि और उसमें अंत निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो,
हाँ तो एक होना ही तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। एक और दो दोनों हो जाएंगे, ये और ये दोनों हमारा सही है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ प्राकृतिक नियम है, ये आपका प्राकृतिक नियम ही है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ था इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है, अग्नि, बृहस्पति, गौस, इंद्र। तो बृहस्पति को देव देवताओं में पुरोहित माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में निस्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में होता है, शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। तो अभी सिक्का के रूप में प्रयोग होता है। ऋग्वैदिक काल में निस्क किस अंग का आभूषण था, तो कान, गला, बाहु, कलाई का। तो वह था गला का। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो क्या जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण निशाका नाम से जाना जाते थे। बोगस्काई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक है महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता था। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। तो बी हमारा ऑप्शन नंबर सही है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, किसमें हुआ है, तो वह हुआ है बोगजकाई से हुआ है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है पंचवीस ब्राह्मण। अगला है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राव गोड़। ये शतपथ ब्राह्मण से उल्लिखित राजा विदित माधव से संबंधित ऋषि थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो कौन सा प्रमुख था, तो वह था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, तो जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो वह पर्वतश्रेणी नदी के किनारे लड़ा गया था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है, तो वह सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। उस जनजाति का नाम बताया जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो कौन है, तो वह है किकट, जो कि संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकार, व्यापार, तो वह था शिकार। ऋग्वैदिक में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है, तो यौ जौ को कहा। जौ को कहा गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत या राजतंत्र। तो कैसी थी, तो वह वंश परंपरागत राजतंत्र थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति को दो पुत्रिय कहा गया है, प्रजापति की दो पुत्रिय कहा गया है, तो वह अथर्ववेद में कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो किस में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, नृत्य मार्गी। तो ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी धर्म था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, किसको समर्पित है, अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र सूक्त समर्पित है
तो वह है इंद्र को। ऋग्वैदिक में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किसे? अग्नि, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो वह है ऋग्वैदिक में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और आपने अभी तक यस्टरडे विद कलीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।